हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी की वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है नाविक जीडी के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, सिलेबस क्या है, एडमिट कार्ड कब आएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, कुल कितनी पोस्टें हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या होगा। तो उससे पहले, शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। कोस्ट गार्ड ने जो है वो जीडी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो 26 जनवरी से स्टार्ट होंगे और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 2 फरवरी होगी। यानी कि बहुत कम टाइम दिया गया है, 5 से 6 दिन ही एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए दिए गए हैं। तो जल्दी से अपना फॉर्म जो है वो शुरू होने पर भर दें। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो है वो 15 फरवरी से रिलीज़ किए जाएंगे और मार्च में इसके एग्ज़ाम होंगे। हर साल की तरह इसके जो एग्ज़ाम होंगे वो मार्च में ही किए जाएंगे। इस बार जो एक बड़ा चेंजेस है वो है कि इस बार टोटल पोस्टें पहले दे दी गई है। कोस्ट गार्ड ने पहले कभी टोटल पोस्ट पहले डिक्लेयर नहीं की थी, लेकिन इस बार जो है वो नेवी की तरह ही कोस्ट गार्ड ने भी पहले टोटल पोस्टें डिक्लेयर कर दी है। टोटल पोस्ट जो है वो 260 पोस्टें हैं, उसमें से जनरल के लिए 113 पोस्टें, OBC की 75 पोस्ट, EWS की 26, SC की 33 और ST की जो है 13 पोस्टें दी गई है। टोटल 260 पोस्ट है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको 12th पास होनी चाहिए, फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट में होने चाहिए आपके 12th में, और आपके 50% मार्क्स इनमें होने चाहिए। बात करते हैं एज लिमिट की कि क्या एज लिमिट होनी होगी और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। तो 1 अगस्त 1998 से लेकर 31 जुलाई 2002 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। यानी कि इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 22 साल रखी गई है। एडमिट कार्ड कितने परसेंट पर आएगा? हर साल जो इसका एडमिट कार्ड होता है वो अलग अलग परसेंटेज पर आता है, सेंटर वाइज आता है। तो हर स्टेट की इसकी जो होती है वो अलग क्राइटेरिया की कट ऑफ जाती है। तो ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कितने परसेंटेज पर इसका एडमिट कार्ड आएगा। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग कम्प्लीट करनी होती है 7 मिनट में। आपको 20 स्क्वाटअप कम्प्लीट करने होते हैं और 10 पुशअप आपको कम्प्लीट करना होता है। ये होता है इसका फिजिकल स्टैंडर्ड। तो अब बात करते हैं हम इसकी कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो इसका सिलेबस जो होता है वो कोस्ट गार्ड जो है अपनी वेबसाइट पे, जो कोस्ट गार्ड ने अपना दे रखा है वो 12th के बेसिस पर सिलेबस दे रखा है। यानी कि आपको फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के सिलेबस दे रखा है। लेकिन जो हर साल कोस्ट गार्ड पूछती है वो 10th लेवल पर ही सिलेबस आते हैं। लेकिन लास्ट ईयर हुआ क्या था कि कुछ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन जो है वो 12th से भी आ गए थे। तो बात करेंगे हम किसके बारे में प्रिपरेशन करें, क्या प्रिपरेशन करें कि सिलेबस हमारा कवर भी हो जाए। तो आप जो है वो 10th लेवल का सिलेबस कवर करें, क्योंकि मोस्टली आपका जो क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग और मैथ से आते हैं। उसमें ही आपका 70% सिलेबस कवर हो जाता है। और सिलेबस के बारे में हम एक कम्प्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो अब बात करेंगे कि इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है शुरू होने वाला है 26 जनवरी से। तो सर्वर जो है बहुत बिजी रहता है, तो आप पहले आवेदन कर दें, इसमें चूके ना। और अब बात करेंगे कि इसके लिए जो कम्प्लीट प्रिपरेशन है वो कहाँ से करें, कैसे करें और क्या टेस्ट पेपर सॉल्व करें, कैसे करें। तो इसके लिए आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल इस डिफेंस पॉइंट पर ही आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको इस पे कंप्लीट टाइम टू टाइम प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, स्टडी नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सबको ये वीडियो मिल जाए।